हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ गोकुल आईटी और आज हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट विद क्या नाम था, गेमर डीवाईटी। और आज हम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर खेलने वाले हैं क्यूबिक एसएमपी। तो जैसे कि आपको याद ही होगा, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि हम लोग क्यूबिक एसएमपी एक नई एसएमपी बनाने वाले हैं। तो हाँ, ये है उस एसएमपी का फर्स्ट एपिसोड और हमने एक्चुअली पहले से थोड़ी बहुत प्रोग्रेस कर रखी है ना। तो उसकी तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो हमारे साथ खतरनाक मोमेंट्स हुए थे उनकी वजह से हम नहीं रिकॉर्ड कर पाए, है ना। बट अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस क्यूबिक एसएमपी में हम किसी स्पेशल को इनवाइट करने वाले हैं, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, लास्ट तक देख। सो गाइस, हम लोग आज की वीडियो में अपने लिए एक घर बनाने वाले हैं और जिसके अंदर हम दो लोग रहेंगे, मैं और गेमर डीवाईटी। तो वो घर अभी हम लोग बनाने जाएंगे और उसके लिए हमें थोड़ा बहुत सामान चाहिए होगा, है ना। तो उसके लिए हमें सबसे पहले मेन चीज़ चाहिए होगी वुड, ओकेशिया वुड, है ना, यहाँ पर जो मिलती है, है ना। सो उसको हम लेके आते हैं, तब तक इस आयरन को स्मेल्ट करने रख देते हैं, है ना। तब तक फटाफट से उस ओकेशिया लॉक को माइन करके आते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग इस सामान को, सारे का सारे सामान को इस चेस्ट में रख देते हैं, जितना भी हमारा फालतू सामान है जो भरा हुआ कचड़े की तरह, है ना। तो गेमर डीवाईटी एएफके जा रहे हैं ना, तो अभी हमें ही करना पड़ेगा जो भी करना है फिलहाल, तो है ना। अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, फिर हम दोनों मिलकर काम करेंगे, है ना। और गाइस, इसमें कड़ी मेहनत लगने वाली है गाइस हमारी, क्योंकि हमको 4-5 स्टैक चाहिए होंगे अकेशिया लॉक के, तब जाके मेरा काम बनेगा। और उसमें काफ़ी सारे अकेशिया प्लैंक्स आ जाएंगे, है ना, तो वही हमें चाहिए। फिलहाल के लिए हम सारा का सारा सामान इसमें फटाफट रखते हैं और फटाफट चलते हैं अपना वो अकेशिया लॉग माइन करने। सो गाइस, चलो अभी फटाफट से चलते हैं। हमने अपना आयरन का टूल्स वगैरह भी बना लिया था थोड़ा बहुत, क्योंकि हमने पहले से नहीं बना के रखा था और हमने वो आयरन स्पेल्ट करने को भी रखा था ना, इसलिए, है ना। तो अब हम लोग आपको मिलते हैं ये अकेशिया लॉग माइन करने के बाद। तो गाइस, फाइनली हम लोगों ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार अकेशिया लॉग के स्टैक्स इकट्ठा कर लिए हैं गाइस, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और इससे कितने सारे अकेशिया प्लैंक्स बनने वाले हैं कि हमारी इन्वेंट्री पूरी फुल होने वाली है। और कुछ सामान आई थिंक सो हमें नहीं भी यूज़ करना पड़े, मतलब थोड़ा बहुत सामान फेंकना भी पड़े या फिर चेस्ट में रखना पड़े, है ना। फेंकेंगे तो नहीं, ऑब्वियसली चेस्ट में रखेंगे। तो फटाफट से बनाते हैं यार।
फाइनली हम लोगों ने अपना घर कंप्लीट कर लिया, अपना मॉडर्न हाउस बना के, जो कि एक्चुअली हमने थोड़ा सा डिफरेंट बनाया, मतलब अकेशिया लॉक्स का बनाया है ना, और काफ़ी सुंदर लग रहा है और काफ़ी प्यारा लग रहा है, आपने देखा ही होगा है ना। और इस घर में मैं और गेमर डिवाइटी दोनों एक साथ रहने वाले हैं। तो अब वीडियो का अंत तो आ ही गया, तो चलो बताने का टाइम आ गया कि हमारी एसएमपी में कौन आने, हमारी एसएमपी में आने वाले हैं कार्तिक प्लेस। जी हाँ, इन भाई जी को तो आपने हमेशा देखा ही होगा, हमारी हर वीडियो पे, ऑलमोस्ट हर वीडियो पे इन्होंने कमेंट किया है ना। तो जो हमने पिछली डाकू एसएमपी बनाई थी उसके अंदर एक्चुअली हम लोगों को, मतलब इनको हमें इनवाइट करना था, बट इनको हम इनवाइट नहीं कर पाए थे, बट इस बार हम लोग इनको इनवाइट कर पाएंगे है ना। तो कार्तिक प्लेस, आई इनवाइट यू इन आवर क्यूबिक एसएमपी। सो यस गाइस, द टाइम हैज कम कार्तिक प्लेस, तो आप मेरे डिस्कॉर्ड पे आ जाना, फिर वहाँ पर मैं आपको आईपीआर पोर्ट दूंगा है ना। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।